सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के हम इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल कैसे होंगे एडमिशन लेने के लिए, ओके, और फिर मेरिट लिस्ट कहाँ से कंप्लीट करेंगे, आपकी जो एडमिट कार्ड कहाँ से रिलीज होने वाली है, मेरिट लिस्ट, रिजल्ट, काउंसलिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी सारी प्रोसेस होगी, इंपॉर्टेंट डेट्स देखनी होती है, सभी की जो डिटेल्स होगी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप हर एक स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा। और आप यहाँ पर देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको समझ में आएगा, फिर आपके लिए इजी पड़ेगा कि आपको अप्लाई कैसे करना होता है। काफ़ी इजी वे है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको जैसा बताऊँगा वैसा आपको देखना है। आप चाहे तो इस पेज पर आकर के भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, देख पढ़ सकते हैं, ओके। तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, आपकी अप्लीकेशन फॉर्म, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सिलेबस के बारे में इस पेज पर ही बता दिया जाएगा। ये पेज है, आपको बता देना चाहूँगा, IAS पेपर, ये ऑफिशियल पेज है, एक एक्सक्लूसिव, एक ऑथेंटिकेशन, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मिलती रहती है सबसे पहले। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आकर के चेक करने की ज़रूरत है बस। तो KU का मतलब होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एट द इन्विटेशंस फॉर द एडमिशन MEd एंड टू ईयर सेमेस्टर सिस्टम स्किल कोर्सेज के लिए फॉर द डिपार्टमेंट एजुकेशन एंड कॉलेज ऑफ एजुकेशन एफिलिएट टू द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विच इज एग्जीक्यूटिव MEd अंडर द SFS फॉर द सीजन 2022-2021। कैंडिडेट्स कैन चेक द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन ऑन द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड अप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करनी होती है, ठीक है। तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है हर एक बच्चों को यहाँ पर जो दो साल का कोर्सेज होता है, जो भी सेमेस्टर होती है, उनको यहाँ पर इनवाइट कर रहा है कि आप यहाँ पर आओ और पढ़ाई करो, अपना कोर्सेस जो भी है आपको उसे अप्लाई करके स्टडी स्टार्ट करो। तो डिपार्टमेंट एजुकेशन यही आपको बोलता है। तो कॉलेज जो भी आपका एफिलेट कॉलेज टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ठीक है, MEd कोर्सेज के लिए यहाँ पर बना गया है, तो उसे आप पढ़ें अपना, जो भी सीज़न है आपका 2022, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी गई है, और यहाँ पर क्या है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काउंसलिंग, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड 1956 एंड इन्वॉल्व इन टू मल्टी फैकल्ट जो कॉलेजेस यहाँ पर, बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पर इसके, ऑफ द विमासा सेंटर एंड एडवांस स्टडीज रिसर्च अक्रॉस द रीजन। ये प्रोवाइड करता है आपको अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड MPhil इन सेवरल वेरियस फील्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द ऑल कोर्सेज बिंग जून में हो सकता है, जब भी होगा, बट यहाँ पर अभी डेट आए नहीं ऑफिशियली, तो देयरफॉर यहाँ पर आपको बता नहीं रहा हूँ। तो ऑफिशियली डेट आने को वेट करना होगा, जो भी डेट है आपको ऑफिशियली जाकर के चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल मतलब कुरुक्षेत्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड से चेक करनी होगी कब डेट आने वाला है, कब अप्लीकेशन फॉर्म आएगी, रजिस्ट्रेशन कभी फिल करनी है, सभी की डेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। फिर प्रोग्राम ऑफर यहाँ पर करता है जो MEd कोर्सेज टू ईयर्स का सेमेस्टर कोर्सेज होता है, आपको पता ही है, अभी उसके लिए आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है बस। तो आपको पता होना चाहिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ एजुकेशन, इसका ये फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम लेवल जो होता है स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक, स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है, और फिर एग्ज़ाम का मोड है ऑफलाइन मोड है, यानी कि ऑफलाइनली मोड आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करनी होती है, एंड आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म के डेट और एग्ज़ाम ड्यूरेशंस वगैरह और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको डेट पता चल जाएगा कि कब डेट है, कब रिलीज़ होने वाली है, फिर आप आगे का आप चीज़ें जो है अप्लाई करते हैं, फिल करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि लास्ट डेट कभी है, कभी रिलीज़ की जाएगी, और डेट देखनी तो ज़रूरी है हर एक बच्चे को, क्योंकि डेट के हिसाब से आपको जल्दी से जल्दी टाइम टेबल जो शेड्यूल रहेगा उसी शेड्यूल पर आपको वो एक्टिविटी, वो इवेंट करनी है, कि आपका अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो कभी है, तो उस हिसाब से आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एट KUK, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट्स और काउंसलिंग, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर जो भी डेट बताया गया वो डेट कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव डेट्स है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डेट सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, बस एक एग्जाम्पल के लिए, बट यहाँ पर डेट अभी भी फिक्स नहीं है, क्योंकि एक अजम्पन्स डेट है, ठीक है। तो एक माना डेट है, अभी जो डेट है वो फिक्स नहीं है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जानी है और वहाँ पर आपको डेट को चेक करनी है, ठीक है। शायद अपडेट अभी आ चुका रहेगा, अभी अपडेट तो नहीं आता, ओके, तो आपको चेक जरूर करना चाहिए।
तो ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल्स है जहाँ पर आपको फिल करनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट, कुरुक्षेत्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और उस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करनी है। देन वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए रहते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए मानते हुए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी और फीस वगैरह जो भी रहेगा उसे कंप्लीट करनी होती है, फ़ीस पे करनी है एंड एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट निकाल लेनी है। देन और आगे का जो डिटेल्स रहेगी ये फीस वगैरह के बाद सबमिट कर देना होता है, ठीक है। फिर आपको वेट करनी है मेरिट लिस्ट के लिए। बट सबसे पहला चीज़ जो आपका क्या देखना है, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी देखनी है, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, देन आगे का प्रोसेस करनी है। तो एलिजिबिलिटी देख लीजिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करनी है। तो एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपने प्रीवियस क्वालिफिकेशन बीएड कंप्लीट किया है, फिर बीए कंप्लीट किया है, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएलएड, कोई भी आपने कोर्स किया, ठीक है। तो आपको परसेंटेज यहाँ पर 50% मार्क्स रहेगा, तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी बोला उसके हिसाब से, जो अथॉरिटी के हिसाब से सेट किया गया है, तो आप 50% एटलीस्ट मार्क्स लाते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारे कोर्सेज के लिए। अगर थ्रू आपने कंप्लीट किया है तो 50% मार्क्स चाहिए होता है, बीएड बीए बीएड बीएससी बीएलएड डीएलएड जो भी है, सारे कोर्सेज अगर आपने किया है कंप्लीट, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, तो ये सारे कोर्सेज आपने किया है प्रीवियस क्वालिफिकेशंस, तो यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए होता है एटलीस्ट अप्लाई करने के लिए। अगर आप इनकेस रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी, इन कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 47% मार्क्स के नीचे आपको नहीं लाना है, लेस देन नॉट लेस देन 45 47.50%, ठीक है। तो इससे कम मार्क्स लाएंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलेजेस एजुकेशन रनिंग, ये सारे कॉलेजेस हैं रनिंग में अभी। ओके, ये क्या है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र का वैलिड आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और वहीं के हुए रहने चाहिए। और ये कुछ ये जो भी ये सीट से बताया गया है कि इसके लिए कितना सीट्स रहेगा, जैसे कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन अम्बललाल सिटी 50% सीट्स, कर्नल गणेश दास एजुकेशन वुमेन जो भी है, सब यहाँ पर सीट्स बताए गए हैं आपको। तो बस आपको नॉर्मली चेक करनी है कि कब क्या है। और यहाँ पर रिजल्ट की बात आती है, तो रिज़ल्ट आपको जब भी चाहिए होगा रिज़ल्ट कहाँ पर जाकर के चेक करेंगे, कुरुक्षेत्र के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बाद एडमिट कार्ड, एडमिट कार्डों के बाद यहाँ पर एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको कुछ छोटे से इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, आपके डेट ऑफ बर्थ एंड आपके रोल नंबर, सीट नंबर रोल नंबर जो भी होगा फिल कीजिएगा एंड आप देख पाएंगे अपना रिजल्ट। फिर काउंसलिंग का प्रोसेस में क्या होता है, काउंसलिंग के प्रोसेस में ये होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट में आपके नाम को मेंशन किया गया। अगर आपका नाम मेंशन है मेरिट लिस्ट में तो आप एलिजिबल हैं, मतलब आपको अप्लाई करने की ज़रूरत है, मतलब आपको काउंसलिंग के प्रोसेस कंप्लीट करने की ज़रूरत है। पहले तो क्या होता है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है कि आप जो भी हैं वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफिकेशन के लिए यहाँ पर, तो वेरीफाई किया जाएगा। देन आप वेरीफाई हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको सीट अलॉट किया जाएगा, फिर आप विल नॉट बी चेंज, आप चेंज नहीं कर पाएंगे उसके बाद में जो भी आपने फेल किया रहेगा, और वहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, बस आप स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइनली आप एडमिशन ले पाएंगे। और ये सारे प्रोसेस हैं, इसे देखनी ज़रूरत है आप सभी बच्चों को, एलिजिबिलिटी सबसे पहले देखनी है। ओके, और बाकी सारे तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का मैंने लिंक दे रखा है, क्लिक करके इस पेज पर आना है एंड आपको भी सारी प्रोसेस को चेक करनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।